नमस्कार, स्वागत है आपका कोरोना अपडेट में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोरोना वायरस की तमाम जानकारी के साथ मैं हूं छवि श्रीवास्तव। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के बारे में आपको बताने से पहले इस पर नजर डालते हैं कि ब्रिटेन और यूरोप में तबाही मचाने वाला कोविड का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस AY.4.2 अब भारत में भी मिल गया है, जिससे स्थिति चिंताजनक हो गई है। हालांकि वैज्ञानिक इस पर नजर बनाए हुए हैं। वही केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 14,306 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,41,89,774 हो गई है और 443 लोगों की जान गई है, जिसके बाद ये संख्या बढ़कर 4,54,712 हो गई है, जबकि 18,762 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान सक्रिय मामलों की संख्या में 4,899 की कमी आई है, जिससे सक्रिय मामलों का आंकड़ा घटकर 1,67,695 पर पहुंच गया है। वहीं केरल में कोरोना के मामलों से हलचल तेज है। केरल में सबसे ज्यादा 77,964 मामले सक्रिय हैं। वहीं महाराष्ट्र में 27,506, तमिलनाडु में 13,034, कर्नाटक में 8,740 और मिजोरम में 8,080 मामले अभी भी सक्रिय हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में 66,02,961 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 64,35,439 मामले ठीक भी हो चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के अभी तक कुल 7,648 मामले सामने आए हैं। वहीं वैक्सीनेशन के बारे में आपको बताएं तो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक वैक्सीन के 101.3 करोड़ से ज्यादा डोज दिए जा चुके हैं। ऐसे ही हर दिन कोरोना से जुड़ी जानकारी को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कोरोना अपडेट। धन्यवाद।